नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एसएससी रेडियो यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल पर। चलते हैं दोस्तों, आज के हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं जो आपके आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं दोस्तों आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों दोस्तों ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और दोस्तों खुद से लगाने का प्रयास करिए। चलते हैं दोस्तों आज के हमारे पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक होती तो उसका आधार ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप लोगों से क्या पूछा है, उसका आधार ज्ञात करना है। दोस्तों दोस्तों आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई दोस्तों आधार से 7 मीटर अधिक है। तो दोस्तों आप इसको मान लीजिए, आपका आधार दोस्तों कितना है, आपका आधार दोस्तों x है। दोस्तों आपका ये आधार है और ऊंचाई आपकी कितनी दोस्तों, क्योंकि बोला ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, x+7 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों बोला हुआ क्वेश्चन में ऊंचाई, यहाँ से देखिए ऊंचाई आधार से, ऊंचाई किससे अधिक है, आधार से, तो आधार आप x मानेंगे तभी तो x+7 होगा। अब दोस्तों आप समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है दोस्तों, होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है दोस्तों, क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 30 दिया हुआ है दोस्तों, 1/2 आधार कितना है दोस्तों, x है, और दोस्तों आपकी हाइट कितनी है, x+7 है। अब दोस्तों इस समीकरण को हल करिए दोस्तों, ये इधर आएगा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो ये दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, x² + 7x, और इधर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 60। आप दोस्तों 60 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका x² + 7x - 60। अब दोस्तों आप इसका फैक्टर करिए दोस्तों, आप गुणनखंड करेंगे तो दोस्तों आप 60 को ऐसे करिए तो दोस्तों ये हो जाएगा x² + ये हो जाएगा दोस्तों आपका 12x, और ये दोस्तों आपका हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा दोस्तों आप 60। तो दोस्तों आप इसको लेंगे तो ये एक में हो जाएगा x+12 दोस्तों, और एक में हो जाएगा x-5, तो दोस्तों आपका आ जाएगा x = 5। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आपको पूछा था बेस, आधार पूछा, तो आधार x माने थे, x का मान 5 है दोस्तों। अब दोस्तों अगर ऊंचाई पूछा होता तो आप इसमें प्लस कर देते 5, तो दोस्तों आपका हाइट निकल आती दोस्तों, आपकी हाइट 12 आ जाती। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। दोस्तों दोस्तों ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। चलते हैं दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है, उन दोनों का अनुपात 7:2 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कैसे हल करना है। दोस्तों ये अंतर दिया हुआ है, ये किसका दोस्तों, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, और दोस्तों ये दो धनात्मक संख्याएं कितनी है, 7 और 2, तो दोस्तों आप इसको 7x-2x से जब इसको माइनस करेंगे तो ये आपका कितना दिया दोस्तों, 50, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 5x = 50 दिया, तो आपका दोस्तों x = कितना आ जाएगा, 5, 1, 5, x = 10 आ जाएगा। तो किसका पूछा है दोस्तों, तो दोस्तों अब एक 7x है, एक का मान 7x है और दोस्तों एक का 2x है, तो दोस्तों दोनों संख्याएं पहले निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा इसमें 7 से गुणा करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 70 दोस्तों, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 20 हो जाएगी। आपसे पूछा क्या दोस्तों, दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दोनों का दोस्तों गुणनफल पूछा, तो आपको दोस्तों इससे गुणा कर देना है, 7 × 2 = 14 होगा दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलते हैं दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन को आपको बहुत बार कराया है दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में इसको मैंने बहुत आसानी से समझाया हुआ है दोस्तों, अगर जिन लोगों ने देखा होगा उनके लिए, तो दोस्तों ये आप सेकंडों में इसको हल कर सकते हैं दोस्तों, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई फार्मूला नहीं लगाने की। दोस्तों मैं एक बार बता देता हूँ फिर भी,
अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा दोस्तों। इसमें क्या पूछा है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से दोस्तों, इसमें क्या बोला है, 8 लाख रुपए 2 वर्ष बाद 20% वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे। तो दोस्तों मैंने इसमें अर्धवार्षिक बोला है, तो दोस्तों अर्धवार्षिक में क्या होता है दोस्तों, समय जो रहता है, समय आपका क्या होता है, समय आपका 2 गुना हो जाता है और जो आपकी दर रहती है दोस्तों वो आपकी आधी हो जाती है। तो इसमें समय कितना है, 2 है, तो इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और रेट इसमें कितने हैं दोस्तों, 20% है रेट इसका, तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने 10 का 4 वर्ष का निकाल के बताया था कि नहीं आपको, ब्याज क्या होगा दोस्तों, दोस्तों मैंने बताया था कि नहीं दोस्तों। जिन लोगों ने नहीं देखा है कैसे निकाला जाता है दोस्तों, मैं 1 वर्ष का बता दे रहा हूँ, 10 प्लस 10 प्लस 10 × 10/100, इससे इससे कटेगा दोस्तों 20 या 21 हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से आप 2 वर्ष का निकाले, फिर 3 वर्ष का निकालेंगे, 21 पढ़ के प्लस 10 पे रखेंगे, फिर जो आएगा उसके बाद उसके बाद जो आएगा दोस्तों आप फिर 4 वर्ष का निकालेंगे दोस्तों। मैंने निकाल के बताया हुआ है, मुझे याद है, आप लोगों ने जिसने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा दोस्तों आप लोग जाके जरूर देखें दोस्तों। ये 10 वर्ष का दोस्तों 4 साल का कितना हो जाएगा, ये दोस्तों आपका हो जाएगा 46.41 हो जाएगा दोस्तों। आप लोग निकाल लीजिएगा, नहीं दोस्तों हमारा पिछला वीडियो देख लिया आपको समझ में आएगा दोस्तों। इसमें कितने रुपए हो जाएंगे, मूलधन की बात किया दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 146.41। और दोस्तों कितना है इसमें, 8 लाख है, 1 2 3 4। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको, क्या बताया था दोस्तों, जितने वर्ष रहेगा उतना नीचे 0 रहेगा। कितने वर्ष का है दोस्तों, 4 वर्ष का बोला है, 4 वर्ष है ना दोस्तों आपके यहाँ, तो एक 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 दो तीन 4 वर्ष रहेगा। तो दोस्तों आपका 4 वर्ष बोला गया है, तो दोस्तों 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 वर्ष से दोस्तों गुणा कर दिए इसको दोस्तों। आप इसको गुणा करिएगा कितना होगा दोस्तों, आप 146.41 × 8 करेंगे। और दोस्तों अभी आप इसमें 100 से गुणा करना, क्योंकि दोस्तों मूलधन निकालना है अभी। तो दोस्तों आप एक एक का निकाल रहे हैं, 1% का दोस्तों, आप फिर उसके बाद 100% का निकालेंगे। तो दोस्तों आप इसको 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा करेंगे दोस्तों दशमलव हट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.46 × 41 × 8। आप इसको निकालिए, 8 1 हो जाएगा, 8 चौक 32 2 हो जाएगा दोस्तों। आप ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है दोस्तों, आपको पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस आपको ये समझना था, मैंने जो ये बताया ये आया कहाँ से, 46.41 दोस्तों। ये टी जो 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जो इसका निकलेगा ब्याज दोस्तों, वो आपका 46.41 होगा दोस्तों। आप मेरा अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप जाके ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको कोई भी फार्मूला रखने की जरूरत नहीं, बस दोस्तों आपको इसको निकालना आना चाहिए, 2 वर्ष का 3 वर्ष का 4 वर्ष का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। चलते हैं दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ दोस्तों। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप हमारा, मैं जरूर कहूँगा आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए, आपको मैं 100% श्योर करता हूँ आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, लेकिन दोस्तों आप इसको जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, आप लोग इसको खुद से हल करने की कोशिश करिए दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप 2 तरह से कर सकते हैं, आप इसको दोस्तों ऑप्शन से भी कर सकते हैं दोस्तों, और दोस्तों आप इसको फार्मूले से भी लगा सकते हैं दोस्तों। मैं बेसिक से बताऊँ, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद उसकी आय अपने पुत्र की आय से 3 गुनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों आप इसको ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, और उसको आपको ऑप्शन से मैं बताता हूँ दोस्तों। इसमें किसकी आय पूछा है, पिता की आय, आप पिता की आय 40 मान लीजिए, पिता की आय 40 मान लिया दोस्तों। तो दोस्तों अगर पिता की आय आपने 40 मान ली है तो दोस्तों पुत्र की आय कितनी होगी, क्योंकि जो है एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। तो दोस्तों इसमें से 26 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यहाँ 3 3 में से 2 गई 1 14। तो पिता की आयु 40 वर्ष है और पुत्र की आयु 14 वर्ष है, ठीक है दोस्तों, वर्तमान आयु। और क्या पूछा है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो इसमें 3 जोड़िए कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 43। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने, इसमें भी 3 जोड़िए कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 17। तो क्या बोल रहा है, उसकी आय की 3 गुनी, क्या इसकी 3 गुनी है दोस्तों, 3 गुनी है इसकी, नहीं है ना दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अब आप ऑप्शन नंबर बी को लेके देखिए, मान लीजिए पिता की आय
मान लीजिए दोस्तों फादर की आयु 36 वर्ष है, और दोस्तों पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु इसमें उसकी 10 वर्ष है, क्योंकि दोस्तों जब आप 36 में से 26 घटाएंगे तो 0 1 10 हो जाएगा ना, क्योंकि इसे 26 वर्ष बड़ा है। कितना बड़ा है, 26 वर्ष, देखो बोला गया दोस्तों 26 वर्ष बड़ा है। तो पिता की आयु 36 हो गई और पुत्र की आयु 10 हो गई, और क्या बोला 3 वर्ष बाद, तो इसमें 3 जोड़ेंगे प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 39 हो जाएगा, और इसमें दोस्तों जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। क्या बोला है, 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी। क्या पुत्र की आयु से 3 गुनी है, हाँ दोस्तों 13 3 39, तो आपका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, तो समझ में नहीं आया तो आपको दोबारा बताता हूँ। आप बोला है पिता की वर्तमान आयु, तो आप पिता की वर्तमान आयु दोस्तों आप 36 मानिए, ठीक है दोस्तों। जब पिता की वर्तमान आयु 36 है तो पुत्र की कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि इससे ये कितना बड़ा है दोस्तों 26 वर्ष बड़ा है, ठीक है दोस्तों 26 वर्ष बड़ा है, तभी ये होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें बोला है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष इसमें करेंगे तो कितना 39 हो जाएगा, तो 3 वर्ष इसमें भी होगा 13 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद जो पिता है अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगा, तो ये 3 गुना हो रहा है ना दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी अभी सही हो जाएगा। दोस्तों आपको आगे ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसको दोस्तों बेसिक से भी लगा सकते हैं, और नहीं दोस्तों आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन का हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दोस्तों आपका इसमें टाइम सेविंग होगा। दोस्तों मैं बेसिक से भी बता देता हूँ, अगर जो लोग बेसिक से लगाना चाहते हैं, आप मान लीजिए पुत्र की, दोस्तों आप पुत्र की आयु जो है एक्स मान लीजिए, और जो फादर की आयु है कितना है दोस्तों 1 + 26 मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या बोला है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1 + 3 वर्ष इसमें जोड़ेंगे तो कितना 26 + 3, और इसमें 3 वर्ष जोड़ेंगे 1 + 3, कितना 3 गुना हो जाती है 3:1, क्योंकि दोस्तों मैंने अपने वीडियो में बताया था, जबकि 3 गुना की बात करें 3:1, 2 गुना की बात करें 2:1, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1 + 29, और ये 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 3:1। आप दोस्तों आप यहाँ से आप इसका मान निकाल सकते हैं। दोस्तों आप जिस तरह से चाहे उस तरह से लगाइए, ले आपको बेसिक भी पता होना चाहिए दोस्तों, और आपको दोस्तों बहुत थ्रू ऑप्शन भी, क्योंकि दोस्तों आपके क्वेश्चन में आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगा वो थ्रू ऑप्शन वाला भी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलते हैं दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, जो कि दोस्तों आज का हमारे इस सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है 25 23 26 29, 31 और दोस्तों 39 और 11 की माध्यिका ही निकालना है, तो माध्यिका निकालनी है दोस्तों। दोस्तों माध्यिका में पहले आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप माध्यिका निकाल पाएंगे अवरोही और आरोही क्रम में। तो मतलब दोस्तों इसको आपको आरोही क्रम में, आरोही क्रम दोस्तों मतलब बढ़ते क्रम में, पहले छोटी फिर बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। चलिए दोस्तों बताते हैं, दोस्तों पहला क्या हो जाएगा इसमें 11 हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों इसमें सबसे छोटी कौन है 11 के बाद दोस्तों आपकी 23 है, उसके बाद 23 के बाद दोस्तों कौन है इसमें आपकी 25 है, ठीक है दोस्तों ध्यान समझिएगा। 25 के बाद कौन है दोस्तों 26 है, 26 के बाद कौन सा है दोस्तों 29 है, दोस्तों 29 के बाद कौन सा है दोस्तों 31 है, 31 है, उसके बाद कौन सा है दोस्तों 39 है। कितने हैं दोस्तों टोटल 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं दोस्तों, 3 इधर से 3 इधर से, दोस्तों जो आपके बीच में आएगा दोस्तों वही होगा। अगर दोस्तों 7 है तो दोस्तों 3 इधर से 3 इधर से जो बीच में आएगा वो हो जाएगा। दोस्तों अगर 9 है तो 4 इधर से 4 इधर से जो बीच में आएगा वो हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका 8 है तो दोस्तों बीच की दो संख्याएं लेंगे, बीच की दो संख्या लेंगे उनको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर समांतर माध्य पूछता तो दोस्तों आप बिना आरोही क्रम में लगाए बीच का जो संख्या होती है टोटल करते 7 है, तो जो बीच में संख्या रहेगी 3 इधर से लेके 3 इधर से तो आप वही बता। लेकिन माध्यिका में पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोस्तों इसको अवरोही क्रम में लगाना है। दोस्तों अवरोही क्रम में लगाने के बाद दोस्तों जो सबसे बीच में संख्या रहेगी वही आपकी माध्यिका हो जाएगी। दोस्तों इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी 26 है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हम इसी तरह से जो आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए मैथ के क्वेश्चन हैं दोस्तों, आपके रेलवे या एसएससी में पूछे हुए हैं दोस्तों, हम उन्हीं को करा रहे हैं, जो कि दोस्तों आपको आसानी से हल करना सिखाएंगे, जो कि दोस्तों ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आपको सेकंडों में हल करना सिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। दोस्तों
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी तरह से हम आपके लिए मैथ के वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।